वेलकम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 14 ड्रग बैन कर दी गई जो कि इंडिया में बहुत कॉमन थी। दोस्तों, वो ड्रग बैन कर दी गई जो कि रोज़ लोग डॉक्टर भी लिखते थे और रोज़मर्रा में अपने तरफ से लोग खाते भी रहते थे। दोस्तों, अब ऐसा क्या हुआ, अब दोस्तों समझते हैं, जो कि कॉमन थी। अब दोस्तों, जैसे जो इन्फेक्शन में, फीवर में, बुखार में देते थे, गले गले में इन्फेक्शन है उसमें देते थे, या सर दर्द में उसमें देते थे दोस्तों, तो वो ड्रग बैन कर दी गई। अब ऐसा क्या हुआ, सबसे पहले हम जानते हैं FDC क्या होता है, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। दोस्तों, अब ये क्या होता है, जो भी एक से अधिक जो है कॉम्बिनेशन मिलाए जाते हैं तो उसको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्हें कर दिया गया, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ज़्यादा वो कर रहे थे इन्फेक्शन, मतलब एडवर्स रिएक्शन ज़्यादा दिखा रहे थे, तो इसको गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया गया, और आने वाले टाइम में और भी लगेगा दोस्तों। अब जैसे पैरासिटामोल के साथ नीमोसलाइट को बैन कर दिया गया, कॉम्बिनेशन जैसे क्लोरफेनरामाइन है, डेक्सटोमिथोरफेन है, उसका जो कॉम्बिनेशन है, मेंथोल है, ग्वाइफेनेसिन है, सल्बुटामोल है, ब्रोमोहेक्सिन, इनके जो कॉम्बिनेशन आते हैं इन सबको बैन कर दिया गया दोस्तों। अब दोस्तों, ये दोस्तों 26A सेक्शन 26A के 1940 के अंडर जो भी रूल था उसको बैन कर दिया गया, उसको प्रतिबंध लगा दिया गया, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा जो है ड्रग बैन होने वाली है, क्योंकि ये क्या काम कर रही हैं, लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, एडवर्स रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए इन चीज़ों पर बैन लगा दिया गया दोस्तों। अब ये आपके हिसाब से सही हुआ है नहीं हुआ, आप बताइए, कमेंट करिए। अब दोस्तों, अगर ये बैन हो गई तो अब जो है कौन से ड्रग खाएंगे, अब जैसे नीमोसिलाइड, पैरासिटामोल इतना चलता था, बहुत ज़्यादा चलता था, अब दूसरी ड्रग कौन से खाएंगे, आने वाली वीडियो में वो भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।